हमारा स्थूल स्वरूप जो दिखाई पड़ता है, इससे परे हमारा एक सूक्ष्म स्वरूप है जिसमें हमारा अंतःकरण और शुद्ध चेतन स्वरूप सम्मिलित है। शुद्ध चेतन स्वरूप अर्थात शुद्ध चेतना आत्मा, और इनके बीच का, इस स्थूल स्वरूप और शुद्ध चेतन के बीच का जो विकार है वही है अंतःकरण, मन। इसको कई भागों में मनीषियों ने कई बार बांट करके देखा है, जैसे मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कभी कभी मन बुद्धि और अहंकार, कभी कभी मन बुद्धि ही कहा गया, और यहाँ पर केवल मन कह करके संबोधित किया गया। यह मन ही अर्थात हमारा जो सूक्ष्म स्वरूप है वही हर प्रकार से स्थूल रूप में शरीर और शरीर की क्रियाकलापों में अपने को अभिव्यक्त करता है। अतः इस स्थूल जगत में, इस संसार में सुख और शांति की खोज में जब भी हम प्रयास करें तो यह बात तो निश्चित है कि अगर हमारा यह अंतःकरण अर्थात मन ही शुभ संकल्पों वाला हो जाए, यह कुछ इस प्रकार से ट्रेंड हो जाए, इसकी वृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ हमारी कुछ ऐसी हो जाएं, हमारे प्रयास कुछ ऐसे हो जाएं जो कि हमेशा शुभ ही शुभ हों अर्थात शिवमय हो जाएं, तो हमारे जीवन में सुख शांति आनंद का संगम होगा। क्योंकि यह संसार को मनीषियों ने कर्म क्षेत्र माना है और आनंद क्षेत्र माना है। कर्म तो करना ही पड़ता है सबको, लेकिन अगर यह कर्म हमारे शुद्ध अंतःकरण से किया जाए तो वही हमारे लिए आनंद का स्रोत भी बन जाता है। यही हमारी परीक्षा है। यजुर्वेद में शिव सूक्त के रूप में मानव मन की शक्तियों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें मन को दैवी कहा गया, और क्योंकि यह शुद्ध चेतन से संयुक्त है इसलिए यह दैवी है, क्योंकि यह स्थूल जगत से परे है और यह, इसके बिना हमारा यह शरीर, स्थूल शरीर मृत रहता है। इसी मन के माध्यम से जब यह पांच ज्ञानेंद्रियां, जो कि पांच आँखें कह सकते हैं, उसी के माध्यम से इस स्थूल जगत को समझता है, देखता है, एहसास करता है और उनका भोग भी करता है, उनके लिए कर्म भी करता है। इसलिए मन दैवी है, मन के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। यही चेतना, धैर्य और प्रज्ञा अर्थात शुद्ध विवेक को धारण करने वाला भी है, और यह पांच ज्ञानेंद्रियों को ज्योति कहा गया, क्योंकि वही, उन्हीं के माध्यम से हम सब कुछ देखते हैं, और उन सभी ज्योतियों में यह ज्योति है अर्थात उनके में सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा मूलभूत रूप से इन पांचों ज्योतियों को चलाने वाला भी यह एक ज्योति है, अर्थात मन इन ज्योतियों का भी ज्योति है। यह भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ इसी में सम्मिलित है, इसी में समाहित है। यह अमृत है, यह अमर है। यह शरीर के मर जाए, स्थूल शरीर के मृत हो जाने पर भी यह मरता नहीं है। यह भी कहा गया कि इसी के माध्यम से जो सात ऋतुजों द्वारा किया जाने वाला यज्ञ है उसको फैलाया जाता है, उसका प्रसार होता है। अगर मन न हो तो उसका प्रसार न हो पाए, और इसी मन में साम, यजुर्वेद और सारी ऋचाएं सब कुछ प्रतिष्ठित हैं। जैसे कि रथ के पहिए में बहुत सारे अरे चक्र में लगे होते हैं, और यह सभी प्राणियों में सामान्य रूप से
व्याप्त है। यह मन सभी प्राणियों को एक सूत्र में पिरोए है। दिस इज द इसेंशियल यूनिटी रनिंग थ्रू ऑल द बीइंग्स। ये मनुष्य को वैसे ही चलाता है जैसे कि एक अच्छा सारथी घोड़ों को रस्सी के माध्यम से उनको संकेतित करता है और आगे बढ़ाता है। ये अजर अमर और बहुत ही द्रुतगामी है और दूर दूर जाने वाला है। इसकी अभिव्यक्ति शिव सूक्त के रूप में यजुर्वेद में दी गई है, जो इस प्रकार है। यत जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येन करमाणपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथे सुधीरा यत पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यत पज्ञानं उत चेतो धृतिश्च यत ज्योतिरन्तः मृतं प्रजाशु यस्मान्नारिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। एनेदं भूतं भुवनं भविष्यत परिगृहीतं अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयञ्जूषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुसारथिः अश्वानिव मनुष्यान् नीयते अभिसुभिः वाजिनिव हृतप्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।